यथा तत्र इति आद्यो यथा सौम्य एकेन मृत पिंडेन सर्वम मृतमायम् विजानात्तम स्याद वाचारंभनं विकारः नामधेयम् मृतिका इति एवम् सत्यं कहते जैसे उदाहरण देते हैं यथा सौम्य इकेन मृत पिंडेन सर्वम मृनमयम विज्ञातम छोटे बच्चे को हमने एक मिट्टी का बना हुआ कहो हाथी दिखाया कि ये जो खिलौना है ना ये मिट्टी का बना है तो उस एक खिलौने को बच्चे ने समझा तो उसे ये समझ आ गया कि जितने खिलौने इस बड़ी सी दुकान में है सारे के सारे मिट्टी के हैं राइट right? ऐसे ही गुरु तुम्हारे इस एक शरीर को समझा देता है कि तुम्हारा शरीर पंच तत्व का सूक्ष्म शरीर और पीछे कारण शरीर और इन तीन शरीरों से भिन्न तुम सच्चिदानंद पर ब्रह्म हो और देन्द्रिय मन बुद्धि मायाकृत रज्जु में सर्प की न्याय भ्रम से दिख रहे हैं तो इस एक शरीर से अज्ञान निवृत्त किया शरीर को असत दिखाया तो सारे संसार के सारे शरीर असत हो गए एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान होता है ये वेदांत की कंडीशन है यह वेदांत की शर्त है यह वेदांत का घोष है कि हम ऐसा ज्ञान कराएंगे कि तुम्हें सारा ज्ञान हो जाएगा और देखो कैसे आपने अपने आप को समझा हाँ आपको समझा सब समझ गए आपका शरीर मन बुद्धि समझा सब शरीर मन बुद्धि अच्छा जैसा शरीर तुम्हारा वैसे दूसरों के है या नहीं जैसा मन आपका है वैसे दूसरों का है या नहीं जैसी बुद्धि आपकी पास है कम ज्यादा वैसी बुद्धि सबके पास है तो इधर एक सैंपल जो तुम्हारे पास है शरीर मन बुद्धि का इसको ठीक से समझ लिया हा अपने मन की शैतानियां कभी देखी कैसे पागल बनाता है देखा ये ले लो ये कर लो वो कर लो यहाँ जाओ वहां जाओ ये करो वो करो काँ, काँ भगाता है ये मनीरम तो जैसा आपका मनीरम वैसे ही दूसरों के मनीरम एक के ज्ञान से सबके ज्ञान हो गए श्याद वाचारणम बिकार ऐसे ही शब्द से वाणी से गुरुजी ने समझाया कि जैसे मिट्टी ही सत्य है सब खिलौनों में ऐसे ही सारे संसार के शरीरों में सत्य तो एक ब्रह्म ही है बाकी तो सब भ्रांति है। तो उदाहरण दिए ना अगर कहा संसार असत्य है तो कितने उदाहरण दिए याद है विचार चंद्रोदय में कितने उदाहरण दिए थे अनेकों उदाहरण हैं एक से बात खत्म नहीं करी अनेक उदाहरण दे दिए माने जब तक बात समझा न ले तब तक बात छोड़ते नहीं है अब सवाल ये उठता है कि आपने बात समझनी भी है कि नहीं समझे से कोई कहे जैसे कुछ बोलने लग जाए आपके सामने और आपका कोई इंटरेस्ट ना हो उस बात पे तो या तो आप मुंह बुरा सा बना के बैठ जाओगे या ढीठ होके कह ही दोगे जी हमने तो पूछा नहीं आप बता क्यों रहे हो कभी कभी हमें सच में यही फीलिंग आती है जब हम ओपन सेशंस में जाते लोगों की शक्लें देखते हैं ना तो लगता ही कह रहे कि क्यों सुना रहे हो हमने तो कहा नहीं है हम तो दर्शन करके ही खुश हैं बहुत काहे लगे पड़े हो काहे गला दुखा रहे हो अपना बोल बोल के हमारे कई शिष्य जो हमारे लिए रिकॉर्डिंग करते हैं ना रिकॉर्डिंग तो शुरू से ही हो रही है तो वो कई बार हमसे लड़ पड़ते थे और पहले क्या है वो सिस्टम उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे और सिस्टम ऐसे होते थे कई बार बड़ी ज़ोर जोर से बोलना पड़ता था बाद में गला दुख जाता था फिर फिर गले की मालिश करनी पड़ती थी और अगले दिन फिर सिटिंग होती थी तो फिर कई बार हमारे चेले कहते थे कि थे क्यों गला दुखाते हो इन ढीठों का तो कुछ होना नहीं इन्होंने तो यही रहना गदे के गधे आप काहे अपना गला खराब कराते हो आप काहे इतनी मेहनत करते हो पर क्या करें वो एक कीड़ा होता है एक ना कीड़ा होता है और उसने कोई तीस साल पहले हमें काट लिया था और वो कीड़ा है समझा के रहना है समझाए बगैर बात छोड़नी नहीं है न? मुझे हमेशा ये बात याद आ जाती है एक बार परम पूज्य स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी के पास में बैठी हुई थी और एक अंग्रेज उनको मिलने आया हुआ था और वो अब वो बिल्कुल चुप बैठे हुए एकदम क्वाइट एक, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने डेढ़ घंटे हम भी चुप, भी चुप वो भी चुप और वो अंग्रेज भी चुप डेढ़ घंटे बाद कोई आया उसने प्रणाम किया और वो तो स्वामी जी ने उसको उनको बोला कि मेरे लिए कुछ खाने को लाओ कब से बैठी हैं आप लाओ अब उनको ये भी दिख रहा है कि कब से बैठी और अब चूंकि बोले ना तो फिर धीरे से कहते हैं ए, अंग्रेज को पूछ ले इनसे कुछ पूछना है तो पूछ ले ये तब तक समझाती हैं जब तक घर ना पहुंचाती <laughs> तो इनसे पूछ ले जो पूछना अब गोरे को तो कुछ पूछना ही नहीं था तो वो ऐसे मैंने बटेरे की तरह कभी मेरे देखे तो कभी उनके देखे वो यूं यूं गर्दन घुमाए कबूतर की तरह तो मैं मैं क्या अच्छा तो वो वो तो मस्ती में आ रहे थे स्वामी जी फिर वो बंदा बोला कहता है कि अपना महाराज जी से कहो मुझे दीक्षा दे दे मंत्र दीक्षा मेरे को कितने साल हो गए मैं आता हूँ मुझे मंत्र दीक्षा नहीं देते आप कहीं उसने ये देखा ना कि मेरे से उनका बड़ा प्रेम है लगाव है तो मैंने कहा तो तुम कहो स्वामी जी को महाराज जी को बोलो आप तो महाराज जी हिंदी में बोलने लग पड़े जो उसको समझ ना आवे कि अंग्रेज को कहते आप दे दो मैंने कहा पर वो आपका भगत है मैं कैसे दे दू कहते उसका पेट देखा है इतना मोटा पेट असंयमी इसको मैं मंत्र दीक्षा दूंगा अब हमारी हंसी निकले गोरे को समझ ना आवे बात उसके बारे में हो रही है तो थोड़ा अनुमान तो लगे उसको पर ये ना समझ लगे कि वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में कहते ऐसे असंयमी आदमी को हम मंत्र दीक्षा देंगे और वो पिछले छह आठ साल से उनके पास आ रहा हर साल उनके फोटोग्राफ्स का एक कैलेंडर बना के वो लाता था और इस बार भी वो उसने कैलेंडर जो भेंट मुझे भी किया कि महाराज जी का ये कैलेंडर ले लीजिए मैंने उनसे कितना प्रेम करता है पर उन्होंने उसको मंत्र दीक्षा नहीं दी हा क्यों क्योंकि स्वामी जी की जो एक्सपेक्टेशन है शिष्य की वो बहुत खतरनाक है उसको तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता कहीं से भी पूरा नहीं कर सकता भेड़ों की भीड़ मुझे नहीं चाहिए बुद्धिहीनों की और असंयमी चेलों की भीड़ मुझे नहीं चाहिए ये उनके जीवन से एकदम स्पष्ट था करीब करीब 154 इयर्स ईयर्स शरीर से वो जिए और शायद सिर्फ एक ही बंदा है जिसको मुझे नहीं मालूम उसको भी दीक्षा दी थी या नहीं दी थी पर वो उनकी सेवा में था और मैंने ऐसा लगता था कि वो वो कह देना कि पुल से कूद जा तो शायद वो कूद भी जाए ऐसा वो उनका आ, समर्पित शिष्य प्रतीत हो रहा था पर कभी बात नहीं हो पाई तो मेरे को कंफर्म नहीं है कि उन्होंने दिया या नहीं दिया लेकिन उसकी भावना बहुत अच्छी थी भावना एक चीज़ होती है श्रद्धा एक चीज़ होती है लेकिन आत्मज्ञान की चाह ये बिल्कुल दूसरी बात होती है।